श्रीनगर आतंकी हमले में तीन हमारे जवान शहीद हुए हैं, जहां एएसआई गुलाम हसन, वही कांस्टेबल रमीज अहमद और कांस्टेबल शफीक अली और बाकी जो जवान हैं वो इस वक्त अस्पताल में हैं, उनका इलाज चल रहा है। पूरा देश दुआ कर रहा है कि जल्द से जल्द वो ठीक हो, लेकिन अभी तक जो आतंकी जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया उनका कुछ अता पता नहीं है, क्योंकि वो वहां से फरार हो गए। फिलहाल घायल पुलिस वाले इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। श्रीनगर आतंकी हमले में अपडेट ये कि तीन जवान हमारे शहीद हो गए। ये कि पंथा चौक इलाके में जम्मू कश्मीर सशस्त्र बल पुलिस बल की 9वीं बटालियन की बस को आतंकियों ने निशाना बनाया, घात लगाकर बैठे हुए थे। इस हमले में जानकारी जो मिल रही है, हमारे जवान जो घायल हुए अस्पताल में है, तीन जवान इस वक्त शहीद हुए हैं। सोमवार देर शाम को जम्मू कश्मीर पुलिस की बस पर हुए आतंकी हमले में अब मरने वाले पुलिस कर्मियों की तादाद तीन तक पहुंच गई है। आज सुबह श्रीनगर के सेना के अस्पताल में एक और पुलिस कर्मी, जिसकी पहचान रमीज कांस्टेबल के तौर पर हुई है, उसकी मृत्यु हो गई है, जिससे अब ये आंकड़ा तीन तक पहुंच गया है, जबकि 11 अन्य पुलिस कर्मियों का इलाज श्रीनगर के सेना अस्पताल में चल रहा है, जहां पर सेना के डॉक्टरों के साथ साथ प्रशासन ने भी जो है डॉक्टर भेजे हैं उन पुलिस कर्मियों के इलाज के लिए, ताकि उनको जो है उनको स्वस्थ किया जा सके। उस बीच जो है जम्मू कश्मीर में इस आतंकी हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी चौकस कर दी गई है, यहां तक कि रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सभी सिक्योरिटी जो काफ़ी हिसास और सेंसिटिव इलाके हैं वहाँ पर, और साथ ही साथ तलाशी अभियान में तेज़ी लाई गई है। हमने कल शाम से ही देखा था कि श्रीनगर शहर के साथ साथ अलग अलग इलाकों में वाहनों की तलाशी ली जा रही, लोगों की पहचान मांगी जा रही थी, और कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों को ये शक है कि जिस अंदाज से पिछले चार दिन के दौरान पुलिस बल पर दो बड़े आतंकी हमले हुए जिसमें 5 पुलिसकर्मी मारे गए, इस तरह के और आतंकी वारदात खास तौर से कश्मीर में हो सकते हैं। यही कारण है कि सुरक्षा व्यवस्था को काफी चौक चौबंद कर दिया गया है। रूफ अहमद के साथ अशरफानी, श्रीनगर आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे का आज दूसरा दिन है, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। ये तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो पदाधिकारियों के साथ चर्चा होगी आगे की रणनीति पर। 12 सीएम की यहां पर प्रेजेंटेशन भी होनी है, और इसके बाद भी उनके तमाम कार्यक्रम। और अब उत्कर्ष की नई पटकथा लिख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस समय पहुंच चुके हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे का आज दूसरा दिन, आज भी पीएम मोदी बेहद व्यस्त हैं। सुबह 9:30 बजे उन्होंने वाराणसी के पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की, वहीं अब बीजेपी शासित राज्यों के 12 मुख्यमंत्रियों और 9 उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। ये बैठक 4 घंटे तक चलेगी, जिसमें मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य में हुए काम और योजनाओं पर प्रेजेंटेशन देंगे। वहीं दोपहर 3 बजे के बाद पीएम मोदी सोवेंड मंदिर के 98 वर्ष पूरे होने पर खास कार्यक्रम में शामिल होंगे। नई पटकथा लिख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। काशी में बाबा विश्वनाथ का धाम, अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण की कार्रवाई उसी श्रृंखला को एक नया स्वरूप प्रदान करता है। योग की परंपरा हो या कुंभ को दुनिया के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता देने का कार्यक्रम भारतीय संस्कृति के प्रति, भारत की सनातन मूल्यों, सभ्यता और संस्कृति को वैश्विक मंच पर पुनर्स्थापित करने के प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी अभियान का हिस्सा है। माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे देश के अंदर हमारे सभी धार्मिक स्थलों की और इन सब का उत्थान हुआ है। जगह जगह पर जो काम सैकड़ों वर्षों में कभी किसी ने सोचे नहीं थे, वो मोदी जी के नेतृत्व में सब साकार हो रहे हैं सारे। आज भव्य हमारा जो है काशी बन गया है, भव्य काशी, दिव्य काशी, यहाँ का कॉरिडोर आज दुनिया का एक प्रमुख स्थल बन गया है। अयोध्या धाम बनने जा रहा है हमारा, केदारपुरी में भी जो है भव्य दिव्य निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ भी शिलान्यास हो गया है, बद्रीनाथ जी में भी हो रहा है, जगन्नाथपुरी में, पूरे देश के अंदर आज धर्म के प्रति और धार्मिक जो उत्थान है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार चल रहा है। लगभग 350 साल पहले माँ अहिल्याबाई होलकर ने
मंदिर का पुनरोद्धार किया था और 350 साल बाद भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने फिर से मंदिर का पुनरोद्धार करके कॉरिडोर बनाया है। ये सचमुच में अद्भुत अवसर है। जो विश्वास है काशी विश्वनाथ के ऊपर, वो सब रखने वालों को एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक देन मोदी जी ने दिया है। बहुत स्वच्छ है, पराक्रम कर सकते हैं, घाट तक जा सकते हैं और दर्शन भी बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। बहुत ही सुविधा है। पूरी कॉरिडोर जो उन्होंने बनाया ये तो अद्भुत है और बहुत सारे लोगों की आस्था जो है वो आस्था कायम करने का ये जो काम है पूरा भारतवर्ष बहुत बहुत साल तक मोदी जी को याद करेगा। इस वक्त दो सहयोगी वाराणसी से हमारे साथ मौजूद है हिमांशु। हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा हैं, साथ ही साथ ऐश्वर्या पालीवाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु, सबसे पहले जरा बताइए पीएम मोदी के अब आगे क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले? हिमांशु जी, अर्पिता अपना सवाल दोहराएंगे। आज क्या क्या कार्यक्रम हिमांशु, अगर आवाज आप तक पहुंच रहे तो बताएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं अब आगे? देखिए मैं आपको बता दूं, सुबह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो वाराणसी के सभी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के जितने प्रभारी और सह प्रभारी हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं और ग्राउंड की रिपोर्ट को ले रहे हैं और आगे किस तरीके से चुनाव में पार्टी को जाना है वो सारी बातचीत जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर कर रहे हैं। साथ ही साथ उसके कुछ देर बाद जो है, लगभग ये कह सकते हैं कि आधे घंटे बाद जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है DLW के इस प्रशासनिक भवन में ही आएंगे जहां पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और गुड गवर्नेंस को लेकर ये बैठक होनी है। इस गुड गवर्नेंस की बैठक का एक ही एजेंडा होता है कि केंद्र की और राज्य सरकारों की जो योजनाएं हैं, गरीब कल्याण योजनाएं, उनको किस तरीके से जमीन पर उतारा जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जो है उससे लाभान्वित हो और साथ ही साथ सरकार और प्रदेश संगठन के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो कैसे बेहतर हो, इसको लेकर आगे कैसे बढ़ना है और इसको लेकर एक प्रेजेंटेशन जो है विनय सहस्रबुद्धे की तरफ से दी जाएगी, जो राज्यसभा MP भी है और गुड गवर्नेंस सेल के कन्वीनर भी हैं। भूपेंद्र यादव भी रहेंगे, उनकी तरफ से भी एक प्रेजेंटेशन होगी, जो केंद्र सरकार में श्रम मंत्री हैं वो एक प्रेजेंटेशन देने वाले हैं और उसके अलावा सभी मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों के फीडबैक देंगे किस तरीके से कितनी योजनाएं जो है जमीन पर उतरी हैं और आगे कैसे उतरेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये जरूर कहा जाता है कि आप ग्राउंड पर उतरकर अपनी जो योजनाएं हैं उसका फीडबैक लीजिए लोगों से। जब तक ग्राउंड का फीडबैक आपके पास नहीं आएगा, खुद से आप नहीं लेंगे, तब तक आप सही से ये आकलन नहीं कर पाएंगे कि किस तरीके से जो है ये योजनाएं आम आदमी तक पहुंच रही हैं और इसका लाभ जो है आम आदमी को मिल रहा है। लेकिन बड़ी बात यही है कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 7 सालों में लगातार बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उपमुख्यमंत्रियों के साथ ये बैठक करते रहे हैं और आज इस बार की बैठक जो है एक नए वातावरण में वाराणसी में हो रही है। इससे पहले ये बैठक दिल्ली में हुआ करती थी पार्टी दफ्तर के अंदर और इस बैठक के अंदर खुद JP नड्डा रहने वाले हैं और JP नड्डा बताएंगे कि संगठन और सरकार किस तरीके से मिलकर काम करती है, क्योंकि कोविड काल के अंदर केंद्र सरकार के साथ साथ जो है राज्य के संगठन ने कैसे काम किया है इसको लेकर भी एक प्रेजेंटेशन होनी है। ठीक है, हमारे साथ ऐश्वर्या भी हैं। ऐश्वर्या, पीएम मोदी को सुरवेद मंदिर भी जाना था, वहां का उनका क्या क्या कार्यक्रम रहना है और ये भी जानकारी कि वो वहां संबोधित भी करेंगे? देखिए, हमें जो सुनने में आ रहा है 3 बजे के आसपास मंदिर में पहुंच जाएंगे पीएम मोदी, वहां पे लोगों से बातचीत करेंगे। हमें सुनने में आ रहा है कि लोगों से भी बात करेंगे। देखिए, पिछले 2 दिन में हमने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री बार बार ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों से बात करना कितना अहम है। कल भी हमने देखा जब वो मंदिर से निकल रहे थे सुबह के दौरान, कई लोग उन्हें कई सारे गिफ्ट देना चाहते थे, गाड़ी रोक के शीशा नीचा करके लोगों के साथ उन्होंने सेल्फी खिंचवाई, लोगों के गिफ्ट लिए और देर रात को जो प्रधानमंत्री ने किया वाराणसी की सड़कों पर पैदल चल के उन्होंने देखा कि किस तरीके
तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, इन्हीं सब मुद्दों के ऊपर हिमांशु भी बता रहे थे कि किस तरीके से मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। और देखिए, ये सब कुछ कहीं ना कहीं इसलिए भी हो रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव सिर्फ 2 महीने दूर है। 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा। योगी आदित्यनाथ के साथ भी काफी बातें हो चुकी हैं प्रधानमंत्री की, फ्रॉम जो हमें समझ में आ रहा है, और आज जो संबोधन करेंगे उसके अंदर भी यही बात प्रधानमंत्री बोलेंगे लोगों को कि किस तरीके से वाराणसी का डेवलपमेंट हो रहा है, उन्हीं सब मुद्दों पे आगे बातचीत होगी। ठीक है, आप दोनों जरूर रहिए साथ। देखिए, कल पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया और आज सुबह से ही मुख्यमंत्रियों के विश्वनाथ धाम में सपरिवार आने का दौर शुरू हो गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी पत्नी गीता धामी ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और उत्तराखंड की उन्नति की प्रार्थना की। तो जिस तरीके से पूरा कार्यक्रम बनारस में रखा गया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण हुआ, इस तरीके से देखिए एक अलग संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां से देने की कोशिश की और अब आगे की रणनीति भी बनाई जा रही। कल दोपहर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करने के बाद देर रात पीएम मोदी काशी में एक्शन में नजर आए। सीएम योगी के साथ उन्होंने देर रात काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का मुआयना किया और रात 1 बजे के बाद बनारस रेलवे स्टेशन पहुंच गए। देर रात का वक्त था लेकिन जाग रही थी काशी, जाग रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिन भर के लंबे कार्यक्रम के बाद भी चेहरे पर थकान के निशान नहीं। देर रात जब पीएम मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निरीक्षण करने निकले तो गोदौलिया पर मौजूद सैकड़ों लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाकर उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने भी हाथ हिलाकर सबका अभिवादन स्वीकार किया। भीड़ में लोगों के बीच एक बच्चे पर पीएम मोदी की नजर पड़ी तो बच्चों के प्रति उनका प्यार जाग उठा। काफी देर तक वो बच्चों को दुलारते रहे और फिर आशीष देकर आगे बढ़ गए। रात की रोशनी काशी विश्वनाथ का वैभव देखते ही बन रहा था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ पीएम मोदी इस अनुपम छठा को देर तक निहारते नजर आए। अपने सपने को साक्षात साकार देख रहे थे। यकीन करना मुश्किल था कि 33 महीने नामुमकिन सा दिखने वाला सपना साकार हो जाएगा। तस्वीरें देखिए, सामने दिव्य मंदिर और उसे निहारते प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी। पीएम मोदी ने कॉरिडोर के चप्पे चप्पे का मुआयना किया, गौर से देखते रहे परिसर की दिव्यता को, दीवारों पर की गई खूबसूरत नक्काशी को, स्थापत्य के नायाब उपहार को। चलते चलते पीएम मोदी मां अन्नपूर्णा के दरबार में पहुंचे तो कुछ देर वहीं ठहर गए। ललिता घाट से गंगा जल लेकर इन्हीं गलियारों से होकर पीएम मोदी कल दोपहर काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे थे। तब दिन में लोगों की भीड़ और उनकी सुविधा का ख्याल रखते हुए वो पूरा गलियारा घूम नहीं पाए थे, इसीलिए रात का वक्त चुना गया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण को यादगार बनाने के लिए बीजेपी के तमाम शीर्ष नेता और बीजेपी शासित सूबों के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री वाराणसी में हैं। देर रात गंगा घाट पर पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इन मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की, स्मृति के लिए तस्वीरें भी खिंचवाई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी और नड्डा के साथ सीएम योगी, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा के मनोहर लाल, त्रिपुरा के बिप्लब देव, गुजरात के भूपेंद्र पटेल, उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। आज इन मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी 4 घंटे विकास कार्यों पर मंथन करेंगे। सभी मुख्यमंत्री अपने राज्यों के विकास कार्यों पर प्रेजेंटेशन देंगे। वाराणसी में पीएम मोदी के लिए मानो वक्त रुक सा गया था। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निरीक्षण करने के बाद पीएम मोदी अचानक बनारस रेलवे स्टेशन पहुंच गए। प्लेटफॉर्म पर लगी घड़ी में वक्त देखिए, रात के 1:13। पीएम मोदी और सीएम योगी मिशन मोड में रेलवे स्टेशन पर हुए विकास कार्य का जायजा ले रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर दुकान चलाने वाले इन दो VIP आगंतुकों को देखकर हैरान थे। पीएम मोदी 2 दिन के वाराणसी दौरे पर कल पहुंचे थे। कल सुबह 11 बजे से ही उनका व्यस्त कार्यक्रम था। बाबा काल भैरव की पूजा से शुरुआत हुई थी,
फिर ललिता घाट में गंगा स्नान, काशी विश्वनाथ की पूजा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण, कॉरिडोर के निर्माण में लगे मजदूरों के साथ लंच और देर शाम गंगा आरती लेजर शो। पीएम मोदी का आज का कार्यक्रम भी व्यस्त रहने वाला है। आज तक ब्यूरो। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर बुजदिली दिखाई है। आतंकियों ने पुलिसकर्मियों की बस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें 2 पुलिस वाले शहीद हो गए जबकि 12 घायल हुए। इस हमले की पीएम मोदी ने जानकारी मांगी। ये जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के हौसले पस्त होने का सबसे ताजा सबूत है। जम्मू कश्मीर पुलिस की ये वही बस है जिस पर आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला किया। आतंकवादियों ने बस को रोकने के लिए टायर को निशाना बनाया और जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। आप देख सकते हैं कि आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी करके इस बस को किस तरह से छलनी कर दिया। इस बस पर आप आतंकवादियों की गोलियों के निशान भी देख सकते हैं। ये हमला श्रीनगर के जेवन इलाके के खूनमोह रोड के पंथा चौक पर हुआ। इस हमले को साल 2019 के पुलवामा हमले के बाद घाटी में सबसे बड़ी आतंकवादी वारदात माना जा रहा है। ये बस जो है दिन में ड्यूटी के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को लेकर जेवन के इंडियन रिजर्व पुलिस जो IRP की बटालियन है उस मुख्यालय में जा रही थी, जब उस पर ताबड़तोड़ है और कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से मोटरसाइकिल पर सवार जो है मिलिटेंट आए और तीनों तरफ से इस बस पर जो है अंधाधुंध गोलीबारी की है। बताया जाता है कि शाम 5:50 पर जम्मू कश्मीर पुलिस की ये बस अपने आर्मर्ड हेडक्वार्टर वापस जा रही थी, तभी पहले से घात लगाकर बैठे मोटरसाइकिल पर सवार आतंकवादियों ने इसे घेर लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक दोनों तरफ से 40 राउंड फायर हुए। ये उसी जगह की तस्वीर है जहां पर आतंकवादी हमला हुआ। यहां पर चारों तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों का खून फैला हुआ है। बस के अंदर का भी हाल अलग नहीं है। यहां आतंकवादियों की गोलियों से टूटे कांच बिखरे हुए हैं, वहीं चारों तरफ खून फैला हुआ है। एक जवान का जूता भी यहां पर गिरा हुआ देखा जा सकता है। श्रीनगर के जिस जेवन इलाके में हमला हुआ वो काफी सुरक्षित माना जाता है। यहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस का आर्मर्ड हेडक्वार्टर होने के अलावा BSF का एक कैंप है जहां पर BSF के IG रहते हैं। CRPF का बटालियन हेडक्वार्टर भी इसी इलाके में है। वहीं थोड़ी दूर पर सेना का 15वीं कोर मुख्यालय है। अगर हम जेवन का इलाका दिखाएं, ये आप देख सकते हैं, ये जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग है जिस पर कुछ हिस्सों पर जो है ट्रैफिक रोक दिया गया है और यहाँ से ही जो है बाई और जेवन का इलाका जाता है जहाँ पर ये हमला हुआ है और उसके बाद जो है पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है ताकि हमलावरों का पता लगाया जा सके और उनको पकड़ा जा सके। इस वक्त श्रीनगर का तापमान 0 से नीचे है, रात का समय है। इस बीच हमलावरों का पता लगाना भी सुरक्षा एजेंसियों के लिए काफी मुश्किल हो रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों की जिस बस पर हमला हुआ है वो बुलेट प्रूफ नहीं थी। अधिकतर पुलिस कर्मियों के पास शील्ड और लाठियां थी, बहुत कम पुलिस वालों के पास हथियार थे। शायद यही वजह है कि आतंकवादी इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने में कामयाब रहे। जानकारों का मानना है कि आतंकवादियों पर भारी दबाव है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार उन पर हमला करने का दबाव बनाया जा रहा है ताकि धारा 370 के खिलाफ माहौल बनाया जा सके। इस बात को गलत साबित किया जा सके कि 370 और 35 से हटने के बाद घाटी में शांति लौटने लगी है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद 366 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। वहीं इसी दौरान 96 आम नागरिक और 81 जवान शहीद हो चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस को निशाना क्यों बनाया। इस सवाल का जवाब हमें जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व DGP SP वैद्य ने दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस को टारगेट बनाया जा रहा है, ये भी एक सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है क्योंकि ये जो पार इसको इस मशीनरी को चलाते हैं वो ये समझते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस का कितना अहम रोल है एंटी टेरर ऑपरेशंस में। और आप अगर आप देखें 90% जितनी भी इंफॉर्मेशन लोकल लोगों से आती है वो JNK पुलिस के थ्रू ऑपरेशंस में इस्तेमाल होती है। तो ये कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर पुलिस को डिमोरलाइज किया जाए, उनका मनोबल कम किया जाए। लेकिन इस हमले ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं क्योंकि जब भी कश्मीर में कोई पुलिस टुकड़ी की मूवमेंट होती है तो एरिया डोमिनेशन कर सुरक्षा दी जाती है। जहां पर हमला हुआ वहां पर CRPF, BSF, ITBP
और JKP के कैंप है, इसीलिए यहाँ पर आमतौर पर भारी पुलिस बल तैनात रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद आतंकवादी इस वारदात को अंजाम देने में कामयाब रहे। अशरफ वाणी, श्रीनगर, आज तक। एक्टर करीना कपूर का शनिवार को कोरोना का टेस्ट हुआ था। करीना को कोरोना के हल्के लक्षण थे। रविवार शाम उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। करीना के साथ उनके दोस्त अमृता अरोड़ा का भी टेस्ट किया गया था, वो भी पॉजिटिव आई हैं। करीना कपूर घर पर ही क्वारंटीन हैं। BMC ने उनका घर सील कर दिया है। करीना की रिपोर्ट कल पॉजिटिव आई है। डॉक्टरों का कहना है कि उनके लक्षण बहुत हल्के हैं। आज वो बेहतर महसूस कर रही हैं। बच्चे उनके ही साथ हैं, वो होम क्वारंटीन में हैं। बीएमसी सूत्रों के मुताबिक इन दोनों अभिनेत्रियों ने कोरोना नियमों का उल्लंघन करते हुए कई पार्टियां अटेंड की हैं, जिसकी वजह से इनके सुपर स्प्रेडर होने की आशंका है। बीएमसी ने करीना कपूर और अमृता अरोड़ा के संपर्क में आने वाले लोगों का RT-PCR टेस्ट करने के आदेश दिए हैं। ऐसे 15 से 20 लोगों की पहचान की गई है। आइए जानते हैं कि पिछले एक हफ्ते में करीना और अमृता ने कहां कहां और किस किस के साथ पार्टी की है। करण जौहर के घर पार्टी में करीना, अमृता, फिल्म कभी खुशी कभी गम के 20 साल पूरे होने पर पार्टी रखी गई थी, जिसमें दूसरों के साथ करीना कपूर भी पहुंची थी। इस पार्टी में अर्जुन कपूर और आलिया भट्ट भी थे। रिया कपूर के घर पार्टी में करीना, अमृता। इसके पहले प्रोड्यूसर रिया कपूर के घर पर क्रिसमस पार्टी रखी गई थी, जिसमें करीना और अमृता के साथ उनकी बहनें करिश्मा कपूर, मलाइका अरोड़ा और फैशन डिजाइनर मसाबा गुप्ता भी थी। सभी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस डिनर पार्टी की तस्वीरें शेयर की। बताया जा रहा है कि BMC करीना कपूर और अमृता के इस रवैये से खुश नहीं है और BMC को अंदेशा है कि जिस तरह से ये लोग पार्टियों में गई हैं, कहीं कोरोना संक्रमण की सुपर स्प्रेडर न बन जाए। इस पर करीना के प्रवक्ता ने आज तक से कहा, करीना पूरे लॉकडाउन के दौरान बहुत जागरूक और जिम्मेदार नागरिक रही हैं। करीना ने हमेशा अपने फिल्म और एड शूट के सेट पर लोगों से मास्क पहनने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के लिए कहा। हाल में करीना और अमृता कुछ करीबी दोस्तों के साथ डिनर पर गई थीं, जहां से उन्हें कोरोना संक्रमण हुआ। ये कोई बड़ी डिनर पार्टी नहीं थी, कुछ करीबी लोग थे, पर उस ग्रुप में एक शख्स खांस रहा था और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। उस शख्स को जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए था और डिनर में शामिल नहीं होना चाहिए था, ताकि दूसरों को खतरा न हो। करीना ने लापरवाही बरती ये कहकर उन्हें दोष देना ठीक नहीं है। वो एक जिम्मेदार नागरिक हैं, जिन्हें अपने परिवार की सुरक्षा की भी चिंता है। पार्टी में मौजूद शख्स के पॉजिटिव आने के बाद BMC ने करीना, अमृता और पार्टी में मौजूद दूसरे लोगों से संपर्क किया। करीना और अमृता जितने भी लोगों से मिली हैं, BMC सभी की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रही है। करीना और अमृता के संपर्क में आए जिन लोगों का RT-PCR टेस्ट करवाया गया है, उनकी रिपोर्ट मंगलवार को आएगी। दोनों के वार्ड में कोरोना नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, ये जांच करने के लिए BMC ने टीम भी बना दी है। साथ ही BMC ने सेलिब्रिटीज से अपील की है कि वो ढील ना करें और कोरोना नियमों का पालन करें। सौरभ वक्तानिया, पंकज उपाध्याय के साथ अनीता ब्रिटो, मुंबई, आज तक। जहां देखिए, एक तरफ BMC की टीम इस वक्त करीना कपूर के आवास में पहुंची है, क्योंकि घर सील कर दिया गया था और सैनिटाइजेशन का काम इस वक्त चल रहा है। जैसे ही खबर मिली कि अमृता अरोड़ा, जो कि उनकी बेस्ट फ्रेंड और करीना कपूर कोरोना संक्रमित हैं, उसके बाद से ही जिन जिन पार्टियों में वो गई हैं, उन पार्टियों में कितने लोग शामिल हुए, उनको भी RT-PCR टेस्ट कराने के लिए कहा गया है। BMC ने फिलहाल करीना का बंगला सील किया है, यानी उनको अभी घर में ही रहना होगा, आइसोलेट ही करना होगा, लेकिन लक्षण बताया जा रहा है उनमें बहुत हल्के हैं। करीना कपूर के घर पहुंची BMC की टीम से बात की हमारे संवाददाता सौरभ वक्तानिया ने। BMC की टीम इस वक्त करीना कपूर के बिल्डिंग तक पहुंच चुकी है और यहां पर आप देखें तस्वीरों में, ये BMC के ऑफिशियल्स की टीम है और यहां पर एक मेडिकल कैंप लगा जाएगा। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, ये जो शख्स है वो बिल्डिंग के अंदर जाएगा, पहले तो पूरे बिल्डिंग को सैनिटाइज करेगा और साथ में और भी अन्य टीम BMC के यहां पर आ रही है, जो RT-PCR टेस्ट भी कराएगी। ये जो बिल्डिंग आप देख सकते हैं, यही बिल्डिंग के अंदर करीना कपूर रहती है। आपको बता दें, करण जौहर की पार्टी में एक गेट टुगेदर करण जौहर के घर पे हुआ था और वहां पर जो है कई सारे लोग मौजूद थे,
11 तारीख को जो है सबसे पहला जो शख्स है यानी कि सीमा खान पॉजिटिव आती है, उसके बाद अन्य लोगों की टेस्टिंग होती है, जिसके बाद करीना और अमृता अरोरा पॉजिटिव आते हैं, जिसके बाद ये जो बिल्डिंग है जहां पर करीना कपूर रहती है उसको पूरी तरीके से अभी उनके घर को सील किया गया है। तो एहतियातन तौर पे जिस तरीके से ओमिक्रॉन वायरस का जो स्केयर है उस तरीके से यहां पर ये कोशिश की जा रही है कि पूरे बिल्डिंग को सैनिटाइज किया जाए, और भी लोगों से अगर जो कॉन्टैक्ट में आई हो तो उनका भी RT-PCR मेडिकल टेस्ट किया जाए। तो तस्वीरों में साफ आप देख सकते हैं यहाँ पर BMC की टीम अब इस वक्त मौजूद है, पहुंच चुकी है यहाँ पर, वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रही है। यहाँ पर मेडिकल कैंप लगा जाएगा और पूरे बिल्डिंग को सैनिटाइज किया जाएगा। कैमरा पर्सन नवनाथ के साथ सौरभ वक्ता, मुंबई आज तक। तो ओमिक्रॉन के दो नए केस और सामने आने के बाद देश में कुल आंकड़ा 41 तक पहुंच गया। अकेले महाराष्ट्र में 20 से ज्यादा लोग बीमार हैं और ऐसे में मुंबई और महाराष्ट्र को सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन माया नगरी तो लाइट कंसर्ट में झूम रही है और प्रशासन सोया पड़ा है। करीना और अमृता जिन जिन पार्टियों में गई हैं वहां मौजूद लोगों की ट्रेसिंग और वो लोग जिन लोगों से मिले हैं उनकी ट्रेसिंग बीएमसी के सामने बड़ा टास्क है। ओमिक्रॉन के खतरे के बाद से बीएमसी दोबारा अलर्ट मोड में आ गई है, सतर्कता काफी बढ़ा दी गई है, पर नियम तोड़ने वाले भी कहां मानने को तैयार हैं। कल ही मुंबई में सिंगर और रैपर AP ढिल्लन का लाइव कॉन्सर्ट हुआ था। ढिल्लन के लाइव कॉन्सर्ट में कई सारे स्टार किड्स ऑडियंस के तौर पर पहुंचे। इनमें पॉपुलर एक्ट्रेस जानवी कपूर, सारा अली खान, उनके भाई इब्राहिम अली खान और सारा तेंदुलकर का नाम भी शामिल है। इन पॉपुलर स्टार किड्स के अलावा भी कई बड़े सेलिब्रिटीज ने लाइव कॉन्सर्ट अटेंड किया था। कॉन्सर्ट के एक दिन बाद पुलिस ने ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के आरोप में FIR रजिस्टर कर ली है। हैरानी की बात यह है कि मुंबई में हुए इतने बड़े लाइव कॉन्सर्ट के बारे में सरकार, पुलिस और बीएमसी के अधिकारी को पता नहीं था। उन्हें इस बात की खबर नहीं थी कि कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच लाइव कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और इसमें इतनी बड़ी तादाद में पब्लिक जमा हो रही है। लाइव कॉन्सर्ट को लेकर BJP ने महाराष्ट्र की सरकार और BMC के अधिकारियों से सवाल किया है कि आखिर उन्होंने इसे रोका क्यों नहीं और वो इस बात से अनजान कैसे रहे। मुंबई की वकोला पुलिस ने IPC की धारा 188 और 269 के तहत FIR दर्ज की है। पुलिस ने ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के आरोप में FIR दर्ज की है। लाइव इवेंट का आयोजन कलीना सांता क्रूज के 5-स्टार होटल में आयोजित किया गया था। चिंता की बात यह है कि महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले हैं। सोमवार को भी दो लोगों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। इसके बाद अब महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के कुल 20 मामले हो गए हैं, जबकि पूरे देश में ओमिक्रॉन के 40 केसेस हैं। महाराष्ट्र में मिले 20 मामलों में से मुंबई में 5, पिंपरी चिंचवाड़ में 10, कल्याण डोंबिवली में 1, पुणे MC में 2, नागपुर में 1 और ललितपुर में 1 केस मिला है। इनमें से 9 को नेगेटिव आने के बाद डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। रविवार को मुंबई में कोरोना के 256 केस दर्ज हुए। मुंबई में अब तक कोरोना से 16,355 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई से सौरभ वक्तानिया और पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। इसी बीच आपको ये भी जानकारी दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस के दूसरे दिन आज वो दौरे पर ही हैं और वहां मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी बैठक होनी है, जिस पर आगे क्या योजना रहनी है ये देखिए। इस बैठक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी शासित राज्यों के CM के साथ PM मोदी की बैठक है। यहां पर गुजरात, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों के कार्यों और योजनाओं का प्रेजेंटेशन देंगे। तो मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक इस वक्त शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद हैं और एक तरीके से बताया जाएगा, राज्य बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने अभी तक विकास का काम किया, आगे की उनकी योजना क्या है और इस वक्त स्थिति क्या है, ये इस बैठक में चर्चा का विषय रहेगा। राज्यों के मुख्यमंत्री प्रेजेंटेशन के माध्यम से ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाएंगे।
हिमांशु मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। हिमांशु, ये बैठक शुरू हो चुकी है और ये महत्वपूर्ण बैठक इस लिहाज से क्योंकि इससे समझा जाएगा कि किस किस राज्यों में क्या योजना आगे के लिए है और जो योजनाएं वहां चल रही थी वो कहां तक पहुंची। देखिए, बिल्कुल इस बैठक के अंदर ये तो बिल्कुल है कि गुड गवर्नेंस को लेकर जो प्रेजेंटेशन होनी है वो होनी है और सभी राज्यों को फीडबैक देना है कि जो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजना है वो ग्राउंड तक कैसे गई है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है अर्पिता कि जिस तरीके से कल देर रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी की गलियों के अंदर घूमकर वहां पर जो डेवलपमेंट के काम हुए हैं उनका मुआयना किया, रेलवे स्टेशन गए, तो उससे एक मैसेज है कि जो विकास कार्य हो रहे हैं उसको लेकर आपको खुद से निरीक्षण करना होगा, उसका खुद से मुआयना करना होगा, वहां पे खुद से विजिट करेंगे तभी काम में तेजी आएगी। तो एक तरीके से इस बैठक से पहले सभी मुख्यमंत्रियों को यह संदेश दे दिया है प्रधानमंत्री ने कि देखिए काम की फाइल बढ़ाकर काम को योजना को लागू करने से कुछ नहीं होगा, आपको ग्राउंड पे उतरकर उनकी समीक्षा करनी होगी काम की और किसी भी फाइल को आपको रोकना नहीं है। अगर वो काम करना है तो वो जल्द से जल्द होना चाहिए, कोई फाइल आपकी टेबल पर 1 से 2 दिन से ज्यादा नहीं रहनी चाहिए, दिन से ज्यादा, क्योंकि अगर रहती है तो उससे क्या है नुकसान होगा। और साथ ही साथ आप जो प्रोजेक्ट करते हैं, जो विकास कार्यों के लिए फंड रिलीज करते हैं उस पर जाकर विजिट कीजिए। आप नजर बनाए रखिए। तो देखिए ये बैठक शुरू हो चुकी है और यहाँ अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं वो प्रेजेंटेशन देंगे कि कैसी योजना वो आगे भविष्य में रखना चाह रहे हैं और अभी जो विकास काम चल रहा है वो किस दिशा में बढ़ रहा है।